सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो एज यू नो, यूट्यूब के ऊपर कंटिन्यूअसली हम डेली बेसिस पे आपके लिए बहुत सारा स्टफ लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं, और आप लोग सपोर्ट भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमें बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं, जनरली आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट किया है कि आर्किटेक्चरल प्लान को हम स्ट्रक्चर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि उसके इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास कोई साइट है। अब इस साइट के अंदर हमारे कहाँ कहाँ पे कॉलम प्लेस होंगे, कहाँ कहाँ पे बीम आएंगे, किस तरह से आप उसका कनेक्शन करेंगे, उसके अलावा इसके अंदर उनके स्टैंडर्ड साइज क्या होंगे, तो ये सारे जितने भी एस्पेक्ट हैं, मान लीजिए अगर आप G+3 बिल्डिंग बना रहे हैं, G+5 बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं, तो उन केसेस में जो आपके कॉलम का साइज है, बीम का साइज है, वो कैसे वेरी करता है, क्या साइज होता है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में कंप्लीट आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रक्चर के, वो सारे आप बहुत डिटेल में अच्छे से सीख जाएंगे। तो आई विश कि ये वीडियो आप पूरा देखिए और इस कॉन्सेप्ट को आप डिटेल में सीख लीजिए। इस प्लान को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या कॉमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक से डायरेक्टली टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, और टेलीग्राम पे इसी तरह के बहुत सारे मोर देन 500 प्लान्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको टेलीग्राम का कंटेंट पसंद आता है तो वहां पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रेविट स्ट्रक्चर की लाइव ट्रेनिंग आज से शुरू होने वाली है, तो इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन रेविट स्ट्रक्चर, सो डेफिनेटली आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। फीस बहुत ही अफोर्डेबल है, और जो स्टैंडर्ड फीस है उस पर भी आपको 55% का कूपन आप आज अप्लाई कर सकते हैं, रिपब्लिक डे का कूपन आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपको फ्लैट 55% ऑफ मिल जाएगा। सो इफ यू वांट टू बिकम एक्सपर्ट इन स्ट्रक्चर देन डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। आर्किटेक्चरल जो ड्राइंग्स होती है उसको हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, राइट, और उसको हम वर्किंग ड्राइंग्स में कंसीडर कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट आप देख सकते हैं कि एक आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट है, राइट, जिसके अंदर अपने पास मेंशंस है कि आपका जो फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर प्लान है, राइट, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्लान है ऑलरेडी आपके मैट्रिक यूनिट सिस्टम में अवेलेबल है, यानी कि मीटर में आपका पूरा का पूरा डायमेंशंस कम्प्लीटली बना हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी सेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे आपके कट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शंस यहाँ पे कट किया हुआ, और कॉलम ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड है, ओके, कॉलम यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे प्लेस्ड किया हुआ। तो इसके बेसिस पे हम किस तरीके से इस आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स को स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर बनाएंगे, यानी कि बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान, कॉलम लेआउट प्लान किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, राइट, तो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट क्या करना है कि आपके पास जो भी प्लान है, राइट, जो भी इनकेस अगर मल्टीपल फ्लोर प्लान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास फर्स्ट फ्लोर का प्लान है, सेकेंड फ्लोर का प्लान है, थर्ड फ्लोर का, तो इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल प्लान है तो आप हर एक प्लान को डिफरेंट वर्क स्पेस में आप क्या करेंगे उसको वहाँ पे आप प्लेस कर लेंगे। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्लान को मैं दो पार्ट में कंसीडर कर रहा हूँ, राइट, ओके, तो कि मेरा फर्स्ट फ्लोर का भी प्लान यही है, सेकंड फ्लोर का भी प्लान यही है, थर्ड फ्लोर का भी प्लान यही है, और फोर्थ फ्लोर का भी प्लान यही है, तो इस केस में आप एक सिंगल प्लान आप कंसीडर करेंगे, देन उसके बेसिस पे आप यहाँ पे काम में ले सकते हैं। लेकिन अगर इनकेस फर्स्ट फ्लोर का प्लान अलग है और सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर का प्लान एक जैसे, तो फिर आपको फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के अलग अलग वर्क स्पेस आपको सबसे पहले क्रिएट करें। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर न्यू वर्क स्पेस बनाना है कम्प्लीटली फाइल को, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, राइट, कॉपी करेंगे, यानी कि कॉपी टू क्लिपबोर्ड वाला ऑप्शन आपको यूज करना है, कंट्रोल सी, देन आप यहां से न्यू ड्राइंग्स आप प्लेस करेंगे, राइट, और आप यहां पे पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी, राइट, तो आपका जो प्लान है आप देख सकते हैं कि आपका प्लान यहां पे आपका प्लेस हो गया, राइट, ओके, मैं इसको यहां पे फाइल को लोकेशंस दे देता हूं, यानी कि फाइल को मैं सेव कर देता हूं, डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर रहा हूं, राइट,
डेस्कटॉप पे, यहाँ पे मैं इसको आर्किटेक्चरल ड्राइंग के नाम से सेव कर रहा हूँ, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, ठीक है, मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव कर दिया, ठीक है। नाउ अब राइट नाउ अपने को कैड की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब यहाँ से अपन रेविट का जो वर्क स्पेस है यानी कि मैट्रिक यूनिट सिस्टम जो है उसको ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे, यहाँ से आपको टेम्पलेट पिक करना है। ऑलरेडी इनकेस आपके पास टेम्पलेट बने हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली आप पिक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ब्राउज के ऑप्शंस में जाना है। आप यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो आपका टेम्पलेट आप देख सकते हैं US Imperial आपका ओपन हो गया, ठीक है। US Imperial और US Matrix आपके पास दो टेम्पलेट है। Imperial यूनिट सिस्टम जो है वो आपका फीट और इंच के अंदर आपका वर्क करेगा, और मैट्रिक यूनिट सिस्टम जो है आपका मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर में काम करेगा। तो यहाँ से US Matrix मैंने लिया, और स्ट्रक्चरल टेम्पलेट आपको यूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस आपको डिफॉल्ट मैट्रिक टेम्पलेट आपको यूज करना है, राइट। स्ट्रक्चरल एनालिसिस डिफॉल्ट मैट्रिक आपको टेम्पलेट यूज करना है। डिफॉल्ट मैट्रिक सिंपल जो है ये आपका आर्किटेक्चरल टेम्पलेट है और ये अपना स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है। आप इसको ओपन करेंगे फर्स्ट, ओके, और देन इसको क्लिक करेंगे ओके। ठीक है, सबसे फर्स्ट आपको प्रोजेक्ट यूनिट चेक करना है, यूएन एंटर करना है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है आपको किस में काम करना है, तो मुझे मीटर में काम करना है। तो यहाँ से हमने मीटर सेलेक्ट कर लिया और इसको 0 प्लस डेसिमल तक हम लेके चलेंगे, या फिर आपको मिलीमीटर में करना है तो आप यहाँ से मिलीमीटर में भी रख सकते हैं, या आपको जिस भी यूनिट में काम करना है, मेनली स्मॉलेस्ट यूनिट लेके चलते हैं मिलीमीटर, ओके, और इसको सिंबल mm रखेंगे और इसको हमने ओके कर दिया, राइट, और ओके। तो यहाँ तक अपने करने के बाद आपको जो कैड की फाइल आपने सेव किया है उसको इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, इंसर्ट का ऑप्शन आपको मिलेगा, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आपको इंपोर्ट कैड फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इंपोर्ट कैड पे आपको क्लिक करना है। फाइल का लोकेशन पिक करेंगे सबसे फर्स्ट, तो हमने यहाँ पे आर्किटेक्चरल ड्राइंग के नाम से हमने फाइल को सेव किया था, ये अपना आर्किटेक्चरल ड्राइंग का फाइल है, ठीक है। यहाँ पे कलर जो है आपको प्रिजर्व कंडीशंस में रखना है, लेयर्स जो है आपको ऑल रखना है, इंपोर्ट यूनिट्स ऑटो डिटेक्ट करेगा, और पोजीशंस जो है ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन ही आपको रखना है, इसी ध्यान रखना है। कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, लेवल टू पे प्लेस कर रहे हैं, राइट, लेवल टू पे प्लेस कर रहे हैं, इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी जो ड्रॉइंग्स है वो आपका आ गया। अब मुझे जो बनाना था फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर अपने को बनाना था, यानी कि मुझे 4 लेवल क्रिएट करने होंगे, तो यहाँ से एलिवेशंस में जाएंगे, एलिवेशंस के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी 2 लेवल बने हुए हैं, ठीक है, तो और लेवल अपने को क्रिएट करना है, तो यहाँ से स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको लेवल का ऑप्शन मिलेगा, लेवल पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ से पिक लाइन्स कमांड ले लेंगे, लाइन और पिक लाइन्स आपका लेवल्स ड्रॉ करने के लिए दोनों मेथड्स हैं। तो मुझे यहाँ पे 3 मीटर पे लेवल क्रिएट करना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 लेवल क्रिएट हो, ओके फाइन, ठीक है, 4 लेवल अपने क्रिएट हो गए। अगेन हम यहाँ से लेवल टू पे जाएंगे, राइट, लेवल टू पे, और सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो कंडीशन है आपका पिन कंडीशन है, तो आपको पहले क्या करना है, अनपिन करना है, ठीक है, देन आप इसको अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो कहीं पे। तो मैंने इसको सेंटर पे यहाँ पे आपको प्लेस कर दिया, ओके। सबसे फर्स्ट अब यहाँ पे हम कॉलम्स यहाँ पे बनाएंगे, जो अपने पास जहाँ जहाँ पे कॉलम्स दे रखे हैं। और सेकेंड प्रॉब्लम्स ये भी आती है कि मुझे कॉलम्स की साइज क्या रखनी है, कॉलम्स कैसे पिक करना है, कहाँ पे कॉलम्स का ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो आपको ऐसे ध्यान रखना कि कॉलम का जो थंब रूल होता है कि आपको अगर इनकेस आप अगर इंपीरियल यूनिट सिस्टम में काम करें तो आपको हर 10 से 15 फीट के बीच में आपको एक कॉलम प्रोवाइड करना है, राइट, 10 से 15 फीट के बीच में आपको एक कॉलम प्रोवाइड करना है। और अगर आप मीटर में काम कर रहे हैं, एमएम में काम कर रहे हैं, तो आपको 3 to 5 मीटर एक कॉलम आपको क्या करना है,
प्रोवाइड करना ही करना है, ओके राइट। और डिफरेंट स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके कॉलम्स के साइज भी आपके डिफरेंट होते हैं, और कॉलम का जो ओरिएंटेशंस होगा हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि लॉन्गर स्पान जिधर होगा उधर साइड से आपको कॉलम का ओरिएंटेशन देना है। तो कॉलम की साइज लेके कैसे चलेंगे मैं आपको भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कॉलम की साइज अगर प्रैक्टिकल डेटा के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो किस तरह के कॉलम्स के साइज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट है कि कॉलम्स जो है वो डिपेंड करता है, कॉलम्स होता क्या है, वर्टिकल लोड बेयरिंग मेंबर जो होते हैं वो आपके कॉलम्स होते हैं, और किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि फर्स्ट आपका डिपेंड करेगा लोडिंग फैक्टर्स पे, जो आपने लोड कैलकुलेट किया होगा, लोडिंग कैलकुलेशंस, आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आप क्या लेके चल रहे हैं, ग्रेड ऑफ स्टील क्या लेके चल रहे हैं, उसके बेसिस पे भी आपका मेनली ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी होती है और लोड फैक्टर्स के ऊपर। स्पान लेंथ आपका कॉलम का क्या है और सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी क्या हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉलम की साइज जो है अपने को क्या लेके चल रहा है, राइट। तो आपका ग्राउंड स्टोरी है तो क्या साइज होगी, G+1 के लिए क्या साइज होगी, G+2 के लिए क्या साइज होगी, आपको इंपेरियल यूनिट सिस्टम और मैट्रिक यूनिट सिस्टम दोनों में है, अप टू 9 स्टोरी तक मैंने आपको प्रैक्टिकल डेटा यहाँ पे शो कर दिया। सेम ऐसे ही हम जाएंगे तो आपको और भी डेटा आपको देखने मिलेगा, ठीक है। और अगर कॉन्क्रीट के अंदर सेक्शंस की बात करते हैं तो आपके रेक्टेंगुलर सेक्शंस होते हैं, सर्कुलर सेक्शंस होते हैं, बेसिकली ये दो सेक्शंस ज़्यादातर आपको यूज में देखने मिलेंगे। अब आता है कि अब मुझे अकॉर्डिंग टू स्टोरी ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या यूज करना चाहिए, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का भी अपने पास डेटा है तो आप उसको भी देख सकते हैं। बेसिकली 3 तरह के ग्रेड होते हैं, आपके नॉर्मल ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट और हाई स्ट्रेंथ ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। इसके अंदर ग्राउंड स्टोरी है, G+1 है, G+2, तो अपने वो क्या कॉन्क्रीट की ग्रेड यूज करेंगे वो अपने को यहाँ पे देखने मिलता है, राइट। M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट अपने यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं, G+4 था, राइट। तो क्योंकि फर्स्ट टू फोर स्टोरी क्रिएट करें तो G+3 तक भी आपको M25 भी आप यूज में ले, इस तरीके से हम प्रैक्टिकल डेटा को हम यूज में ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो कॉलम है इसकी साइज अगर मुझे मेजर करना हो तो हम यहाँ से मेजर करके देख सकते हैं कि क्या कॉलम की साइज यहाँ पे यूज में ले आओ, ठीक है। आप देख सकते हो 254 mm, राइट, आपका लेंथ और विड्थ दोनों, यानी कि आप एक तरह से स्क्वायर कॉलम, राइट, स्क्वायर कॉलम है तो 254 mm आपका कॉलम का साइज आपका लिया हुआ है, यानी कि 250 x 250, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मुझे कॉलम्स का साइज अब यहाँ पे क्रिएट करना हो तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स में जाना है, कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको कॉन्क्रीट कॉलम्स पिक करना है, यहाँ से एडिट टाइप का ऑप्शन पिक करेंगे, ओके, एंड मेक इट डुप्लीकेट 254 mm मल्टीप्लाई 254 mm, ठीक है, और देन इसको हम ओके कर देंगे। और यहाँ से भी आपको चेंज करना है 254 और यहाँ भी 254 और देन इसको ओके करेंगे तो ये आपका कॉलम्स आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब जहाँ पे भी आपको कॉलम्स प्लेस करने हैं आप अपने अकॉर्डिंग, तो मुझे एक कॉलम यहाँ पे प्लेस करना है तो आप नॉर्मली जैसे मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब पर्टिकुलर इसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आपको मॉडिफाई टूल के अंदर आपको अलाइन कमांड आपको मिलता है, आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे फेस को और देन क्लिक करेंगे, राइट, सेलेक्ट करेंगे और देन क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आप कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉलम हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, आपको 3D व्यू में देखोगे तो आपको कॉलम्स यहाँ पे आपको दिखेगा, राइट। नाउ इसको आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू में देखना है तो आप यहाँ से रियलिस्टिक व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो कॉलम जो है आपका level 2 से level 1 की तरफ आपका फॉर्म हुआ है। तो आपको बाद में जो मुझे कॉलम्स बनाने हैं अप टू level 1 to 4 तो एक साथ उसको हम कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, कॉलम्स को फिलहाल एक सिंगल कॉलम को करना हो तो बेस लेवल आपका क्या होगा, level 1 होगा, टॉप लेवल जो होगा वो आपको यहाँ से चेंज करना है अप टू level 4। आप देख सकते हैं ये आपका कॉलम जो है अप टू level 4 क्रिएट हो जाएगा, राइट। नाउ अगेन level 2 पे आते हैं और यहाँ पे कॉलम्स जो है इसको सेलेक्ट कर लो, राइट, और ठीक है,
या फिर आप डायरेक्टली यहाँ से स्ट्रक्चर्स के अंदर भी जाके कॉलम्स को वापस पिक करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी कॉलम आपको प्लेस करना है आप वहाँ पे कॉलम्स को प्लेस कर देंगे। ठीक है, आप इस तरीके से भी आप प्लेस कर सकते हैं जूम करके। ठीक है, जहाँ भी रिक्वायरमेंट है कॉलम्स की वहाँ पे सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, कॉलम प्लेस करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं किस तरीके से कॉलम को प्लेस करना है, राइट। और ये सब चीज़ें जो भी आपको कॉलम्स की क्या साइज रखनी है और आपको कंक्रीट की ग्रेड क्या है, तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा, राइट। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट आप करेंगे उतना ही आप उसको बेटर आप दिखा सकते हैं। यहाँ से कॉपी कमांड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कमांड के साथ भी आप, क्योंकि तो सेम डिस्टेंस पे है, सॉरी सेम डिस्टेंस नहीं है, तो आपको कॉलम से यहाँ से अगेन पिक करना है। इस तरीके से कॉलम्स को प्लेस कर सकते हैं, राइट। इस तरीके से आपको कॉलम प्लेस करना है। और अगर बिल्कुल एग्जैक्ट अगर आपको नहीं प्लेस होता है तो आपको मॉडिफाई टूल, आपको मैंने बताया उस मॉडिफाई टूल को आपको यूज में लेना है। ठीक है, आप उस मॉडिफाई टूल को आप यूज में लेके आप अपने काम में ले सकते। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे फर्स्ट आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आप जैसे कॉलम का प्लेसमेंट आप कर रहे हैं तो फर्स्ट आप आउटर जो आपकी बाउंड्री होगी, राइट, एक्सटर्नल जो आपके बाउंड्री होगी, आपको सबसे फर्स्ट वहां से आप कॉलम प्लेस करना स्टार्ट करें। यानी कि आउटर टू आउटर पहले आपको क्या करना है, कॉलम प्लेस करना है। ठीक है, आउटर टू आउटर कॉलम प्लेस करने के बाद ही आपको इंटरनल कॉलम्स को प्रोवाइड करना है। ठीक है, पहले आप आउटर कॉलम्स को आप प्लेस कर लें, जितने भी आपके आउटर कॉलम है, देन आप इंटरनल कॉलम्स आप बनाएं। जब आपको बीम बनाना होगा तो सेम आपको सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले आपको आउटर बीम क्रिएट करना होगा और देन आपको इनर बीम क्रिएट करना है। तो इस तरीके से आपके जो मेंबर्स होंगे आपके आउटर कॉलम्स क्रिएट हो गए। नाउ एक यहाँ कॉलम है, आपका एक कॉलम यहाँ है, कॉलम यहाँ पे है, ठीक है, एक कॉलम यहाँ। तो वहाँ पे हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया। यहाँ से भी इसको आप रियलिस्टिक ज़ूम में आप ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपने कॉलम कहाँ कहाँ पे प्लेस किया है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जहाँ पे कॉलम प्लेस नहीं होगा वो आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे भी मुझे कॉलम्स की रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ हमने कॉलम्स प्लेस कर दिए। ओके, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, तो उसको पहले आपको कॉलम्स को प्लेस करना है, राइट। आपको यहाँ से 3D व्यू में आपको जाना है, तो आप देख सकते हैं कि एक ही कॉलम्स जो है वो आपके लेवल 4 तक है, तो आपको एक साथ मल्टीपल कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो पहले एक कॉलम को सेलेक्ट करना है और देन SA बटन आपको यूज करना है, यानी कि सेलेक्ट ऑल टूल आपका कमांड जो आता है वो आपको पिक करना है। और देन यहाँ पे बेस लेवल आपको लेवल 1 रखना है, और जो आपका टॉप जो लेवल होगा वो आपको यहाँ पे पिक करना है लेवल 4, और देन इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो आपके 4 फ्लोर तक जो है आपके कॉलम्स जो है आपके बन जाएंगे, जहाँ जहाँ पे भी आपके कॉलम्स बना रहे थे। ओके, ठीक है,
देन अगेन इसको लेवल टू पे लेके चलते हैं, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बीम बनाना है, राइट। आपको क्या करना है, बीम बनाना है। तो बीम कैसे हम क्रिएट करेंगे, ओके, तो आप देख सकते हैं। तो बीम बनाना है, तो बीम की साइज आपको क्या रखना है, तो बीम की साइज आपको, ठीक है, 127 mm आपको विड्थ लगे, ठीक है। और अगर यहाँ से अपने पास अगर प्रैक्टिकल डेटास के अकॉर्डिंग अगर देखें तो बीम की साइज क्या होनी चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, G+4 का अकॉर्डिंग आपको क्या लेके चलना है। यानी कि यहाँ पे जो डेप्थ है वो हम 300 रखेंगे और विड्थ जो है वो आपके यहाँ पे जो 127 जो आपके आर्किटेक्चरल प्लान के अंदर आपको दिख रहा है, किसी भी बीम को वापस से मेजर कर लेते हैं 127। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, बीम पे जाएंगे, राइट। बीम यहाँ पे कॉन्क्रीट बीम पिक करेंगे, यहाँ पे एडिट टाइप के अंदर ऑप्शंस पिक करेंगे और डुप्लीकेट के अंदर यहाँ पे 300 × 127, ओके। जो विड्थ है वो हम यहाँ से रखेंगे 127 और जो डेप्थ है वो हम रखेंगे 300। इसको ओके करेंगे, ठीक है। आप पिक लाइंस की भी हेल्प से आप यहां से बीम बना सकते हैं, ओके। पिक लाइन की हेल्प से भी आप यहां से बीम बना सकते हैं, ओके। ये पिक लाइंस की हेल्प से आपका जो है आउटर एज को ही पिक कर रहा है, तो उस केस में आप यहां से बीम को पिक करेंगे और ठीक है, इस तरीके से आपको बीम जो है फॉर्म करना है। और अगर बीम को डायरेक्टली भी बनाना चाहें तो आप अकॉर्डिंग टू कॉलम्स के जो ग्रिड है उसके बेसिस पे भी आप बना सकते हैं, राइट। कॉलम के जो ग्रिड है आप उसको फॉर्म कर लें और उसके बेसिस पे भी आप यहाँ पे बीम आप क्रिएट कर सकते हैं, ओके। इस तरीके से आपको बीम
क्रिएट करना है आप व्यूम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और सबसे फर्स्ट इसको आउटर बीम हम क्रिएट करें। ओके, तो आउटर बीम यहां से क्रिएट कर देते हैं। और यहां से अलाइन कर ठीक है। तो इस तरीके से आपको बीम यहाँ पर क्रिएट करना है, राइट। आपको मेनली जो है एक फ्लोर की आपको जो बनानी है और बाकी आपको एज इट इज आप उसको कॉपी कर लें बाकी फ्लोर। कॉलम टू कॉलम इस तरीके से बीम को हम कनेक्ट करें। ओके, और देन उसको हम क्या करेंगे, अलाइन कर देंगे इस तरीके से। आपको क्या करना है, अलाइन कर देना आपका ठीक है। अलाइनमेंट इस तरीके से आप अलाइन कर देंगे आपका अलाइन। और यहाँ पर मल्टीपल अलाइनमेंट कर देंगे अकॉर्डिंग।
होती है, तो इस तरीके से आपको आउटर आपके जितने भी होंगे आपके बीम इस तरीके से आपको बनाने ओके नॉर्मल कर दिया इसको हमने यहां तक कनेक्ट कर दिया इसको इधर कनेक्ट कर देंगे और इसको पर्टिकुलर एग्री में यहाँ तक कनेक्ट देन मॉडिफाई टूल की हेल्प से आप इजीली आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है नाउ और जहाँ पे भी आपको बीम बनाना है वापस से वैसे ही आपको बीम बनाना है इस तरीके से ओके फाइन आप जहाँ जहाँ पे भी आपको बीम बनाना है इस तरीके से बीम बना देना ठीक है और इनकेस अलाइन नहीं है तो आप उसको अलाइन कर देना तो इस तरीके से हम आर्किटेक्चर जो ड्राइंग है उसको हम स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं आप इजीली आप ड्राइंग्स यहाँ पे बना सकते हैं ओके आर्किटेक्चरल ड्राइंग से आपको स्ट्रक्चर ड्राइंग बनाना हो बीम कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाना है वो सब आप इजीली यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है और देन मॉडिफाई टूल और अलाइन टू हेल्प की हेल्प से आप इसको कंप्लीटली आप इसको अलाइन कर दें बीम कॉलम सेंटर लाइन आपको इसमें सबसे ज्यादा आपको मॉडिफाइड टूल्स की रिक्वायरमेंट है ओके सो यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे राइट और यहां से इसको कनेक्ट कर देंगे ओके इस तरीके से आपका बीम फॉर्म होता
आई गेस हमें आपको क्रिएट कर लेना, ओके आप देख सकते हो। This one and then this one. This one to this, and this one to this, and this one to this, and join this there. The point, and there to. So like that, we have to complete all this structure. Join this one. There. We have to require the beam, we have to complete this.
there. We have completed right now. Now fine. This one completed. Now align all this. Align the first. There. Use the modify to connect. We have completed all the things, right? Okay, now go to the 3D view. Okay, and we have to select all the beams. So select one and then press SA. Okay, and here we have to go in the options, that is the clipboard, copy to clipboard. Okay, and then go to the paste, align to the selected levels. Okay, on the level 3rd and 4th. Now we have created our structures. Okay, fine. Now go to the level 2, select complete structures, then go to the filter options. Okay, and here check none, and you have to select only architectural drawings. Okay, then apply and okay, and then delete the architectural drawings. You can see that here. Now here this is the open space. Okay, now whatever that there is a remaining part, so we have to connect this. Okay, fine. Sorry, we have to use that the trim extend single element tool. Okay, and now we have completed all this. Okay, so this is our
we have to go in the 2D wireframe view, and this is our structurals model, okay, or beam column and all this, okay. Now on the next, we have see that how to import the model in a structural view, okay, right, in a structural view. Thank you, everyone.